आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसका सिर्फ दो ड्रॉप काफी है आपके बालों को रिग्रो करने में नमस्कार मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर स्किन केयर और हेल्दी हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज इस तरीके की वीडियोज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए अगर आपको मेरी रेमेडीज मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा आपके एक एक लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है साथ ही साथ अगर आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर करिएगा लाइक और शेयर करने से मुझे ग्रो होने में हेल्प मिलता है बस इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ लाइक और शेयर करने के लिए चलिए और वो चीज है आज मैं आप साथ कुछ ऐसे, ऐसे कमाल के होते हैं जिसके पास टाइम नहीं है वो भी इसे फॉलो कर सकता है सिर्फ दो ड्रॉप ही यूज करना है एक बार में मैक्सिमम फोर ड्रॉप मतलब अगर आपके बाल ज्यादा लंबे घने हैं तो सिर्फ फोर ड्रॉप ही लगेंगे और आपके बाल क्विकली रिग्रो करेंगे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसेंशियल ऑयल होता क्या है देखिए जो रेगुलर ऑयल होता है उससे इसेंशियल ऑयल बहुत ही डिफरेंट होता है रेगुलर ऑयल को आप ज्यादा मात्रा में लगा सकते हैं लेकिन इसेंशियल ऑयल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसे ज्यादा मात्रा में लगाने की जरूरत नहीं है ऑयल एक तरीके का हाइड्रोफोबिक लिक्विड होता है जिसके अंदर प्लांट का पूरा होता है। इसे बनाने के लिए प्लांट की सारी चीजों का यूज होता है जैसे कि लीफ हो गई प्लांट हो गया उसका जड़ हो गया बार्क हो गया सारी चीजों का यूज होता है जबकि आमतौर पर जो इस तरीके के ऑयल्स होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल सीसमी ऑयल फ्लैक्सीड ऑयल इन सब चीजों को बनाने के लिए उसकी जो सीड होती है उसका यूज होता है सिर्फ पूरे प्लांट का यूज नहीं होता है? लेकिन जो इसल ऑयल्स होते हैं इनको बनाने के लिए सीड का भी यूज होता है पूरे प्लांट का यूज होता है इसीलिए ये जो ऑयल्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे बालों को रिग्रो करने में तो आज की वीडियो में चार तरीके का इसेंशियल ऑयल मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपके बालों को स्पेशली रिग्रो करने का काम करता है इन ऑयल्स को किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो पहला ऑयल है वो है रोज मेरे ऑयल रिसर्च और स्टडी में ये पाया गया है है कि जो ऑयल होता जितना ही पावरफुल होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सिर्फ अच्छा इफेक्ट होता है यह आपके बालों को क्विकली रिग्रो करता है क्योंकि इसके अंदर एक तरीके का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको कार्नोसिक एसिड बोलते हैं यह आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एक्टिवेट करता है और न्यू हेयर ग्रोथ होता है जिससे कि आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है आपको हेयर थिनिंग और बाल्डनेस की समस्या नहीं होगी रोजमेरी के अंदर ये ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है है टिश्यू और नर्व डैमेज को हील करता है। साथ साथ ही इनको रिजुविनेट करने का काम करता है जिससे आपके बाल जल्दी से रिग्रो करते हैं और आपके स्कैल्प भी हेल्दी होती है जो दूसरा इसेंशियल ऑयल है वो है लेवेंडर इसेंशियल ऑयल लेवेंडर इसेंशियल ऑयल भी आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है इसके ऊपर भी बाकायदा स्टडी हुई रिसर्च हुआ चूहों के ऊपर रिसर्च हुआ और ये पता लगा कि जिन चूहों के ऊपर इसको डाला गया था उनके बाल क्विकली रिग्रो कर गए और उनके बालों की जो थिकनेस है इवन वो भी इंक्रीज हुई मतलब कि ये आपके हेयर फॉलिकल की साइज को भी इनलार्ज करता है जिससे कि उनमें से थिक हेयर ग्रोथ होती है कि जो लेवेंडर इसेंशियल ऑयल होता है इसके अंदर भी बहुत सारे एक्टिव इनग्रीडियंट्स होते हैं जो हमारे बालों को एनाजिन फेज में रखते हैं लंबे समय तक और कैटेजन फेज को डिले करते हैं वैसे हमारे बालों का चार फेज होता है एनाजिन कैटेजन टेलोजन फेज तो जो एनाजिन फेज होता है ये ग्रोथ फेज होता है इसमें बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रो ही कर रहे होते हैं कैटेजन फेज में हेयर फॉलिकल स्ट्रिंग कर जाते हैं और आपके बालों की जो ग्रोथ की स्पीड है एकदम स्लो हो जाती है फिर बारी आती है टेलोजन फेज की जैसे ही कैटेजन फेज खत्म होता है टेलोजन फेज शुरू हो जाता है टेलोजन फेज में आपके बाल एकदम ग्रो नहीं करते रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं सिर्फ वहां रुके रहते हैं वो फिर जो एक्सोजिन फेज होता है इसमें बाल निकल जाते हैं वापस से स्टार्ट होता है प्रोसेस फिर से एनाजेन कैटेजेन टेलोजेन और एक्सोजन फेज लेवेंडर इसल ऑयल हमारे बालों को थिक बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये हमारे बालों को एनाजे फेज में ग्रोथ फेज में लंबे समय तक रखता है जिससे कि हमारे बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है बाल जल्दी झड़ते नहीं है लेवेंडर ऑयल डीएसटी ब्लॉकर की तरफ ही काम करता है डीएसटी एक तरीके का हारमोन होता है मेल हॉर्मोन होता है जिसकी वजह से हमारे बाल जल्दी जल्दी झड़ते हैं इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन तो इसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही जल्दी झड़ते हैं ये डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है और हमारे बालों को जल्दी झड़ने नहीं देता तीसरा इसेंशियल ऑयल है वो है थाइम इसल ऑल थाइम इसल ऑयल के अंदर एक एक्टिव एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको थाइमॉल बोलते हैं जो हमारे स्केल में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है ब्लड फ्लो हमारे स्केल में जब बूस्ट होता है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है जिसकी वजह से उनमें से नए नए बाल आना शुरू होते हैं यह हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यू हेयर ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो कि डैंड्रफ को खत्म करने का काम करती है जो चौथा इसल ऑयल है वो है सिडार वुड वुड ऑयलेंशियल ऑयल हमारे स्कैल्प में जो ऑयल ग्लैंड होती हैं उनमें ऑयल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है बैलेंस करता है जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प ना ज्यादा ड्राई होती है ना ज्यादा ऑयली होती है साथ ही साथ ये भी हमारी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है ये सारे ही आपके बालों को रिग्रो करने में कम माल के हैं अब चलिए देख लेते हैं कि इन्हें किस तरीके से और कितनी मात्रा में यूज करना होता है एक बार में चलिए इसका इस्तेमाल करके मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल शैंपू बनाना बता देती हूँ ये जो शैंपू है ये आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है रिग्रो भी करता है इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड फ्लैक्स सीड का मैंने पाउडर लिया हुआ है फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है बालों को नेचुरली काला बनाता है बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है ये हमारे बालों को डीपली कंडीशन करता है जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो नेचुरली हमारे बालों को काला बनाने का काम करती है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करती है अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आमला पाउडर आपको एक चम्मच के बराबर आंवला पाउडर लेना है आमला पाउडर भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करता है और बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये हिबिस्कस की पत्तियों का पाउडर है गुड़हल की पत्तियों का पाउडर है ये भी हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है और बालों को नेचुरली क्लीन भी करता है डेंड्रफ की समस्या को खत्म करने का काम करता है अब अगला जो इंग्रेडिएंट है ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने में कमाल का होता है और ये है अश्वगंधा अश्वगंधा के अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऐसे बहुत पावरफुल से एंटी होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है उसको खत्म कर देते हैं जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफेद नहीं होते नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक ऐसा पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का काम करता है बालों को रिग्रो भी करता है और ये है जटा मानसी मैंने एक चम्मच जटा मानसी एड किया है अब जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है और ये है कपूर कचली कपूर कचली की स्मेल बहुत अच्छी होती है ये बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करती है इसके अंदर बहुत सारा एंटाइ होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है हमारे बाल नेचुरली काले भी होते हैं थिक भी होते हैं तो यहाँ पे एक चम्मच दो चम्मच के बराबर मैंने कपूर कचली का इस्तेमाल कर लिया है कपूर कचली की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और आपके बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है स्पेशली खुशबू के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है ये डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करती है आपके हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉक करती है जिससे कि नए नए बाल भी आते हैं नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है शिकाकाई शिकाकाई का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया कभी भी आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगा प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की समस्या नहीं होगी यह बहुत ही पावरफुल इन्ग्रीडियंट होता है जो आपके बालों को सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी कर देता है कभी भी आपके स्कैल्प में डैंड्रफ और एक्यूमुलेशन की समस्या नहीं होगी आपके हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीद कर पाएंगे जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा यह आपके बालों को डिटैंगल भी करता है और स्प्लिट एंड की जो समस्या है उसको भी खत्म करता है अगर आपकी स्केल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसको भी ये सॉल्व करता है जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत ही अच्छा नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है और बहुत ही अच्छे से आपके बालों को क्लीन करता है ये है अरीठा या फिर इसको रीठा भी बोल सकते हैं रीठा पाउडर रीठा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है बहुत ही अच्छा शैम्पू होता है चाहे आपकी स्कैल्प आपके बाल कितने भी सेंसिटिव हों इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बाल और स्केल्प कभी भी इरिटेट नहीं होंगे यह आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद इसमें हमें डालना है पानी और इसे पूरी रात भर के लिए भिगोना है ताकि जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए अभी आप देख सकते हैं ये पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने अब इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी ताकि जो इंग्रीडियंट्स हैं अच्छे से और जल्दी से एक्टिवेट हो जाए आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं वैसे भी हमें रात भर भिगोना है तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है गर्म ठंडा कोई भी पानी आप ऐड करिए सब चलेगा अब इसे ढकिए और पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगी जितना पानी है वो सारा मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो चुका है आप देख सकते हैं और हमारा जेल बहुत ही अच्छा सा रिलीज हो गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जेल बन के तैयार हुआ है अब देखिए इसमें मैं डालने वाली हूँ रोज मेरी इसेंशियल ऑयल जरूरी नहीं है कि आप रोज मेरी इसेंशियल ऑयल ही डालिए आपके पास जितना ऑयल मैंने बताया उसमें से कोई ऑयल है तो आप डाल सकते हैं चार पांच ड्रॉप इसका डालना है अच्छे से मिक्स करना है अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग की है अब मैं इसे अपने पूरे स्कैल्प में और बालों की लेंथ में लगा लूंगी इसे लगा के मैं क्या करती हूँ कम कम अगर मैंने हैवी हेयर है ऑयलिंग की है तो अदरवाइज एक घंटे भी काफी है अगर आपने हैवी हेयर है ऑयलिंग नहीं की है बहुत हल्का सा ऑयल लगाया है तो लेकिन मुझे तीन चार घंटे रखने पड़ते हैं क्योंकि मैं हैवी हेयर है ऑयलिंग करती हूँ फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से साफ हो गए हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही अच्छा सा ओवर नाइटीन हेयर सीरम शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो भी करता है साथ ही साथ आपके बालों को लॉन्ग और थिक बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यहां क्लिक करके अभी इस वीडियो को देख लीजिए तो ये थी मेरी आज की वीडियो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार